morning, children. Children, today we will read 9th chapter of your science book, that is Human Body. In this chapter, we will read about organ and organ system. Organ और उसके organ system के बारे में जानेंगे, जैसे कि organ system है हमारा digestive system है, skeletal system है, muscular system है, nervous system है, circulatory system है, excretory system है, reproductive system है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है। तो ये सारे सिस्टम जो हैं हमारे बॉडी को कैसे एक मशीन की तरह वर्क करने में हेल्प करते हैं, हम लोग कैसे अपने सारे काम ईजली करते हैं, किसकी मदद से हम लोग क्या क्या करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड एक वीडियो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया था, ठीक है। सो नाउ टुडे वी विल आई विल एक्सप्लेन दिस चैप्टर फॉर यू so that you may understand easily, okay? So now let's start the chapter. क्या लिखा है यहाँ? Our body is a wonderful machine with many parts. हमारा body जो है, हमारा शरीर जो है, एक अद्भुत मशीन है, बहुत सारे parts के साथ, बहुत सारे हिस्सों के साथ. It is working all the time, से सारे समय काम करता है. When we are doing nothing, और तब भी काम करता है जब हम लोग कुछ नहीं कर रहे होते, जैसे कि हम लोग जब सो रहे होते हैं तब तो कुछ कोई काम नहीं कर रहे होते, तो भी हमारा बॉडी जो है वो कुछ ना कुछ काम करते रहता है, जैसे कि आवर हार्ट इज़ बीटिंग, जैसे हमारा दिल जो है धड़कते रहता है, हम लोग सोते हैं तब भी हमारा हार्ट बीट होते रहता है, कंटिन्यू है ना, वो तो स्टॉप नहीं होता है। आवर बॉडी ब्लड इज़ फ्लोइंग, ब्लड जो है, खून जो है हमारे बॉडी में कंटिन्यू फ्लो होते रहता है ना, वी आर ब्रीथिंग, सांस लेते रहते हैं। आवर बॉडी इज़ यूजिंग फूड वी हैव ईटन एंड इज़ बिजी इन डूइंग मेनी अदर थिंग्स, और हमारा बॉडी जो है उस फूड को यूज़ करता है जो हम लोगों ने खाया है, बहुत सारे काम्स को करने में, हमारे बॉडी में जो जितने भी शरीर में काम्स होते हैं ना, जिससे हमारा हर पार्ट्स जो है अच्छे से वर्क करता रहे, तो वो फूड जो हम लोग खाते हैं तो उस वो प्रोसेस होते रहता है हमारे बॉडी के अंदर, जब हम लोग सोते हैं स्लीप करते रहते हैं तब भी ये काम करता है, ठीक है। अब आज और देखते हैं ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन्स कौन कौन से ऑर्गन्स है जो ऑर्गन सिस्टम जो है, अच्छा जब ऑर्गन हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट हो गया, जैसे हार्ट है, लीवर है, आईज है, ये सारा सेंस ऑर्गन्स तो आप लोग पढ़ा ही होगा। सेंस ऑर्गन दे आर 5 सेंस ऑर्गन है ना, और हर सेंस ऑर्गन का अलग अलग काम होता है, तो ये जब एक से ज़्यादा ऑर्गन्स आपस से मिल करके कोई काम करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे यहाँ पर लिखा है आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स कॉल्ड ऑर्गन, हमारा बॉडी जो, हमारा शरीर जो है बहुत सारे हिस्सों से मिलकर बना है, जिसको हम लोग ऑर्गन्स कहते हैं। ईच ऑर्गन हैज़ इट्स ओन वर्क टू डू, और हर ऑर्गन का अपना एक अलग काम होता है करने को। ए बॉडी कैन बी फिट एंड हेल्दी ओनली इफ ऑल ऑर्गन ऑल इट्स ऑर्गन्स वर्क प्रॉपरली, एक शरीर जो है तभी फिट रह सकता है, स्वस्थ रह सकता है, जब इसके सारे ऑर्गन सारे पार्ट्स जो है सही से काम कर रहे हो तब। अगर कोई भी पार्ट्स हमारा बॉडी का, हमारे शरीर का, अगर कोई भी पार्ट्स अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो आप क्या हो जाएगा, आप बीमार हो जाओगे, इल हो जाओगे, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ट्रीटमेंट के लिए, फिर आपको मेडिसिन देंगे, और फिर जब आपके बॉडी के ऑर्गन जो है सही से काम करने लगोगे तब आप वापस से फिट और हेल्दी हो जाओगे, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन, जैसा कि मैंने बोला कि अगर एक से ज़्यादा ऑर्गन, मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गन जब मिल करके कुछ करते हैं साथ में, तो उसको ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। विच परफॉर्म स्पेशल फंक्शन लाइक ईटिंग, प्लेइंग, ब्रीथिंग एक्सेट्रा, क्या होता है, और जो ऑर्गन सिस्टम, जो ऑर्गन सिस्टम का ग्रुप है, जब आपस में मिल करके एक काम करते हैं जिसको हम लोग ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं, और ये अलग स्पेशल काम परफॉर्म करते हैं, जैसे कि ईटिंग खाना, ठीक है, प्लेइंग खेलना, ब्रीथिंग सांस लेना, ये सारे अलग अलग काम जो है सब ऑर्गन्स मिल करके करते हैं, तब इसको ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। ए लिविंग बीइंग इज़ मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट ऑर्गन, और एक लिविंग बीइंग, एक जीव जंतु जो होते हैं ना, इंसान, जैसे कि ह्यूमन बीइंग हो गया या एनिमल्स हो गया, ये बहुत सारे ऑर्गन से मिल करके बना होता है, अलग अलग ऑर्गन से, एंड वर्क टुगेदर टू परफॉर्म मेनी फंक्शन, और बहुत और वो सारे ऑर्गन्स जो है आपस से मिल करके अलग अलग काम करते हैं। द मेन ऑर्गन इन आवर बॉडी आर, और मेन ऑर्गन सिस्टम जो हमारे बॉडी के है वो सब है, आप लोगों ने, मैंने
चैप्टर के शुरू में ही बताया कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है, ये जो है हमारा इतना सारा इस ऑर्गन सिस्टम है। तो चलो वन बाई वन हम इन सारे सिस्टम्स के बारे में देखते हैं कि कौन कौन कैसे कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम का वीडियो मैंने आपको एक आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड किया था, आई होप यू हैव वॉच दैट। अगर आप उसको देख लिया था और उसके बाद ये समझोगे तो सबसे आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, क्या लिखा है, द फूड दैट वी ईट गेट्स डाइजेस्टेड इनसाइड आवर बॉडी। खाना जो हम लोग खाते हैं वो पच जाता है हमारे शरीर के अंदर। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फूड सब्सटेंसेस इनटू न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी कैन यूज इज कॉल्ड डाइजेशन। और जो काम है, जो प्रक्रिया है जिससे हमारे फूड का जो भी सब्सटेंस है वो चेंज होता है न्यूट्रिएंट्स में और हमारे शरीर को एनर्जी देता है, हमारा शरीर उसको वर्क करने में, प्ले करने में, थिंक करने में यूज़ करता है, उसी प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। द ऑर्गन्स दैट हेल्प अस टू डू दिस फॉर्म आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। और जो ऑर्गन्स जो ये काम करने में हम लोग की हेल्प करते हैं उसको डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। देखो जैसे यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है और इसमें देख ले आप देख सकते हो कि कौन कौन से ऑर्गन्स जो है वो मिल करके पूरे डाइजेशन के प्रोसेस को पूरा करते हैं। सबसे पहले तो माउथ है, माउथ से हम लोगों ने खाना खाया, मुँह से हम लोग खाना खाते हैं ना, और ये फूड जो है वो कहाँ आया, फूड पाइप में आया। ठीक है, फूड पाइप से स्टोमक में आया, स्टोमक से फिर ये कहाँ गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। ठीक है, यहाँ प्रोसेस होता है फूड और उसके बाद जो भी वेस्ट बच जाता है फूड का, जो वेस्ट फूड रहता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू ये अनस में जाता है और अनस में जा करके ये हमारे बॉडी से एक्सक्रेटरी सिस्टम जिसको बोलते हैं उससे वो बाहर निकल जाता है हमारे शरीर के। ठीक है, अब है यहाँ पर एक फाइन डॉट क्या लिखा हुआ है, ड्रिंक अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर। एक ठंडे पानी, एक ग्लास ठंडा पानी पियो। ठीक है, फील द वाटर एज इट मूव्स फ्रॉम योर माउथ। और उस पानी को महसूस करो जैसे जैसे ये आपके शरीर के अंदर जाता है मुंह से। ठीक है, डाउन योर फूड पाइप एंड इनटू योर स्टोमक। कहाँ जाता है, फूड पाइप से नीचे होते हुए आपके स्टोमक में जाता है, तुम्हारे स्टोमक में जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आते हैं हम लोग स्केलेटल सिस्टम के बारे में। स्केलेटल आपको जैसा नाम से ही लग रहा, ह्यूमन स्केलेटन जिसको बोलते हैं, ढांचा। ठीक है, तो ये स्केलेटल सिस्टम देखो कौन कौन से ऑर्गन से मिल करके बना है। स्कल है, शोल्डर जॉइंट है, रिब केज है, पेल्विस है, वर्टेब्रल कॉलम है, नी जॉइंट है, फेमर है, ये सारे ऑर्गन्स जो मिल करके स्केलेटल सिस्टम का निर्माण करते हैं। द बोन्स इन आवर बॉडी मेक अप द स्केलेटल सिस्टम। हमारे शरीर का हड्डी जो है वो मिला करके, वो मिल करके आपस में स्केलेटल सिस्टम का निर्माण करते हैं। दिस सिस्टम गिव्स शेप्स एंड फॉर्म टू आवर बॉडी। और ये सिस्टम हमारे शरीर को शेप देते हैं, हमारे शरीर को खड़ा करने में। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द इनर बॉडी पार्ट्स फ्रॉम गेटिंग इंजोर्ड। और ये ऑल्सो ये प्रोटेक्ट भी करता है हमारे शरीर के जो अंदर का डेलिकेट पार्ट होता है ना, डेलिकेट ऑर्गन्स, उसको प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि रिब केज है, आप पिक्चर में देख लो रिब केज। अब रिब केज के अंदर क्या रहता है, लंग्स रहता है, हार्ट रहता है। तो लंग्स और हार्ट है ना बहुत ही डेलिकेट पार्ट है हमारे बॉडी का। तो रिब केज की वजह से है ना, ये रिब केज के अंदर रहता है, तो रिब केज की वजह से जो जितनी चोट हम लोग को धक्का लगता है किसी से, फिर कभी कभार चोट लग जाती है, तो ये रिब केज खुद पर ले लेता है, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है, बचा करके रखता है। ठीक है, देयर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में टोटल कितने हड्डियाँ हैं, 206 हैं।
और न्यू बॉर्न बेबीज हैव अराउंड 305 बोन्स। और जो एक न्यूली बॉर्न बेबी रहता है ना, जो बच्चा तुरंत पैदा हुआ होता है, उसके शरीर में 305 हड्डियाँ होती है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है ना, बेबी बड़ा होता जाता है, उसके शरीर की कुछ हड्डियाँ ना आपस में जुड़ती चली जाती हैं, और आखिर में उसके शरीर में जब वो एक एडल्ट बनता है तब उसके शरीर में टोटल 206 हड्डियाँ होती है। ठीक है, बोन्स एंड मसल्स मेक अप द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। और बोन और मसल्स आपस में मिला करके हमारे शरीर के लार्जेस्ट पार्ट का लार्जेस्ट पार्ट को बनाती है। ठीक है, पूरे शरीर को अगर हम लोग देखें तो हमारे शरीर में सर से लेकर के पैर तक बोन्स और मसल सबसे ज़्यादा है ना, स्किन है सबसे ज़्यादा। स्किन को तो सबसे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी बोला जाता है, क्योंकि ये पूरे बोन्स और मसल्स को कौन कवर करके रखता है? स्किन है ऊपर में, जो पूरे बोन्स मसल्स को कवर्ड करके रखे हुआ होता है। ठीक है, अब क्या होता है, फाइंड आउट क्या करना है, प्रेस योर हेड चेस्ट एंड फिंगर, अपने हेड को, चेस्ट को और फिंगर को प्रेस करो, फील द हार्ट पार्ट इनसाइड। और उसके अंदर जो आपको हार्ट कड़ा सा हिस्सा जो आपको फील होगा, महसूस होगा, व्हाट आर दे, वे सब क्या है, तो वे सब है बोन्स, दे ऑल आर बोन्स। जो भी हार्ट पार्ट आपको अपनी बॉडी में रियलाइज होता है, फील होता है, दैट इज़ बोन, वो है हड्डी। ठीक है, अब आते हैं मस्कुलर सिस्टम के बारे में देखते हैं। और देख, आपको पिक्चर्स में आपको जैसा दिख रहा है, मस्कुलर्स जो मसल्स जो सारे बोन्स को, हमारे बॉडी के जितने भी बोन्स होते हैं उनको कवर्ड करता है। सो जो अब अगर हमारे बॉडी में मसल्स होते ही नहीं, सिर्फ बोन्स होता, तो कैसा लगता है इंसान, है ना, कोई किसी को पहचान सकता, कोई किसी को नहीं पहचान, सारे के सारे ह्यूमन स्केलेटन अगर आप देखो तो एक जैसे ही लगते हैं। तो ये मसल्स ही है जो हमारे बॉडी को अलग शेप देते हैं, अलग अलग शेप देते हैं। किसी की बॉडी में मसल्स ज़्यादा होते हैं, कोई किसी की बॉडी में मसल्स कम होते हैं। जब ज़्यादा होता है किसी की बॉडी में मसल्स तो वो फैट कहलाता है, है ना, जब किसी की बॉडी में मसल्स लिमिटेड होते हैं तो वो हेल्दी कहलाता है, और किसी की बॉडी में मसल्स कम होते हैं तो वो स्लिम कहलाता है, पतला कहलाता है, वीक कहलाता है ना। तो ऑल आवर मसल्स टुगेदर फॉर्म द मस्कुलर सिस्टम, हमारे सारे मसल्स मिलकर के मस्कुलर सिस्टम को बनाते हैं। मसल्स हेल्प अस टू मूव द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, और मसल्स हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्से को हिलने में, मूव करने में मदद करते हैं। देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन आवर बॉडी, और हमारे शरीर में टोटल कितने मसल्स है, अबाउट 600 से भी ज़्यादा मसल्स है हमारे शरीर में। ठीक है, तो ये मसल्स जो है इसी से हमारा बॉडी को शेप मिलता है। ठीक है, सपोर्ट तो मिलता है हमारे बॉडी को स्केलेटल सिस्टम से, ठीक है, बोन से, खड़े होते हैं, बैठते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ बोन्स है ना, अलग अलग जॉइंट्स जो है हमारे बॉडी में, उसकी वजह से हम अपनी बॉडी, ये हर पार्ट को, बॉडी के किसी भी पार्ट को, हर पार्ट को नहीं, जहाँ जहाँ पर जॉइंट होता है उस पार्ट को हम लोग ईजिली मूव कर सकते हो। और मसल्स क्या करता है, मसल्स हमारे बॉडी को शेप देता है ना, फिट रखता है, हम लोग को स्मार्ट बनाता है, लुक हमारा जो है वो मसल्स से ही आता है। ठीक है, प्लेस योर हैंड ऑन द टॉप ऑफ योर आर्म, अपने आर्म के, अपने बाजू के अपना हाथ रखो, एंड और बिहाइंड योर थाई, अपने थाई पर भी हाथ रखो, स्ट्रेच आउट और उसको खींचो, एंड बेंड योर आर्म और लेग, और अपने आर्म को, लेग को बेंड करो। डू यू फील द मसल्स मूव, आपको रियलाइज होगा कि आपके मसल्स जो है वो मूव कर रहे हैं, हिल रहे हैं, है ना। सॉफ्ट पार्ट जो होता है हमारे बॉडी का वो मसल्स होता है, और हार्ड पार्ट जो है वो होता है बोन्स। ठीक है, अब देखते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है, द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स मेक अप आवर नर्वस सिस्टम। ठीक है, देखो नर्वस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है, ब्रेन है, नर्व्स है और स्पाइनल कॉर्ड है, ये तीनों मिल करके नर्वस सिस्टम का वर्क जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, द ब्रेन गिव्स ऑर्डर टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और ये ब्रेन ही है जो हमारे पार्ट, हमारे बॉडी के हर पार्ट को ऑर्डर देता है ना, कमांड देता है सबको कोई काम करने का। अगर हम लोग बोल भी रहे होते हैं ना, तो हमारा ब्रेन हमको पहले ऑर्डर देता है बोलने के लिए, तभी हम लोग बोल पाते हैं, देखते हैं चीज़ों को, चीज़ों का रंग पहचानते हैं, वो भी हमारा ब्रेन ही है। मतलब एवरीथिंग, जो भी काम हम लोग करते हैं, देखने का, सुनने का,
समझने का, सब सारे काम जो है सब काम परफॉर्म करता है ब्रेन। हमारा ब्रेन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। इट हैज़ नर्व्स दैट टेक्स ऑर्डर टू मसल्स बोन्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स। और ये इस नर्व्स है ना, हमारे बॉडी का जो नर्व्स होता है जो ब्रेन से कनेक्टेड होता है, यही पूरे ऑर्डर को हमारे बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाता है और वो पार्ट हमारा उस काम को करता है। और ये सारे काम जो है ना, वह तुरंत होते हैं, एकदम तुरंत, एकदम झट से, बहुत जल्दी, बहुत फास्ट होते हैं, इसलिए आपको रियलाइज़ नहीं होता है, ठीक है। द स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट्स ऑल नर्व्स टू द बॉडी टू द ब्रेन। और स्पाइनल कॉर्ड्स जो आपको दिख रहा है ना, स्पाइनल कॉर्ड्स देखो, ये पूरे नर्व्स को ब्रेन के थ्रू कनेक्ट रखता है, जोड़ करके रखता है। और इससे हमारा बॉडी है जो ब्रेन जो है हमारे बॉडी को जो भी काम करने के लिए कहता है वो सारे काम जो है वो तुरंत फटाफट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया नर्वस सिस्टम। तो आज हम लोगों ने स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। बाकी का जो नेक्स्ट हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम से है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम लोगों ने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। तो आपको क्या करना है, ये सारे ऑर्गेन सिस्टम ने, चार ऑर्गेन सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा, तो ये चार ऑर्गेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेन्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, तब जा कर के ये ऑर्गन सिस्टम अपना काम करता है। वो ऑर्गन सिस्टम का आपको सब ऑर्गन्स का नाम लिखना है सामने सामने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगी। आपको क्या करना है, बस वीडियो को अच्छे से सुनना है और उसके बाद इसके इसमें इस ऑर्गन सिस्टम में जो जो ऑर्गन इन्वॉल्व है उसके नाम को आपको लिखना है। ओके चिल्ड्रेन, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।